एफएक्स बाय जीएक्स रहता है, अगर डिग्री ऑफ द एफएक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ द जीएक्स, द डिग्री ऑफ द एफएक्स ग्रेटर देन और जीएक्स, हाँ ग्रेटर देन भी हो, न्यूमरेट का डिग्री ग्रेटर देन भी हो या इक्वल हो, तो इसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइड द एफएक्स बाय जीएक्स, एफएक्स को जीएक्स से डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर किया जाता है। एल्स अगर एफएक्स का डिग्री छोटा हो, जीएक्स का डिग्री बड़ा हो, एल्स एफएक्स का डिग्री, डिग्री ऑफ द एफएक्स एज डिग्री ऑफ द एफएक्स लेस देन डिग्री ऑफ द जीएक्स, अगर न्यूमरेटर का डिग्री छोटा हो और डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा हो, इफ द डिग्री ऑफ द एफएक्स लेस देन डिग्री ऑफ द जीएक्स, देन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन, अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन। थोड़ा बहुत समझा देता हूं, इसको ऊपर के बारे में मैं ऑलरेडी बोला था। सपोज पर आपका ऐसा है x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। यहां पर अगर ऐसा है, ऊपर का डिग्री इक्वल भी हो, ऊपर का डिग्री ज्यादा हो और इक्वल भी हो, इक्वल भी हो, अगर ऊपर का डिग्री ज्यादा होता है और इक्वल भी होता है, देन अप्लाई तो ये डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर करके ये इसका इंटीग्रेशन निकाला जाता है। जैसे इसको डिवाइड किया जाएगा, ऊपर का डिग्री इक्वल हो, यहाँ पर इक्वल है और ज़्यादा भी हो, ये डिवाइड किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, वन डालेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू दिस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वन इंटू वन वन, ये आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये और कट जाएगा, ये और ही कट जाएगा, एक्स देगा, देन इसको क्या किया जाता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा और नीचे टी लोगे इसका डेरिवेटिव, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, वन डी एक्स का भी इंटीग्रेशन होगा और इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसको टी लोगे इसका भी इंटीग्रेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा, ओके इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका टी लोगे, इसका टू लेने से टी लेने से डी टी हो जाएगा, ओके वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इसको टी लेने से डी टी हो जाएगा, ये लॉग टी आएगा, एक्स प्लस वन बाई टू लॉग टी, टी किससे लेते वन प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चे फिर से समझा रहा हूँ, ऊपर का डिग्री ज्यादा होता है या इक्वल होता है तो तभी ये डिवाइड किया जाता है, एफ एक्स को जी एक्स में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, अगर तुम उसको सिंपलीफाई कर देना ये वाला आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा, अगर तुम उसको सिंपलीफाई करोगे, ये लेते नहीं वन प्लस एक्स का एलसीएम, ये वन प्लस एक्स का प्लस एक्स आ जाएगा, वही आ जाएगा, ओके तो जब ऊपर का डिग्री ज़्यादा और इक्वल हो डिवाइड करते हैं उसको कोशेंट प्लस रिमाइंडर करके उसको इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन अगर डिग्री ऑफ द एफेक्ट्स ग्रेटर देन इक्वल है डिवाइड होता ही है, एल्स अगर ये एफेक्ट का डिग्री छोटा हो और डिग्री ऑफ द जी एक्स बड़ा हो, देन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या देखिए, अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन, पहला वाला करते हैं, ये ऐसा लिनियर वाला रहेगा, सपोज एक्स प्लस है
एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी ऐसे रहता है। यहाँ पर शब्द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ऐसा है। अच्छा, ये ऊपर का डिग्री छोटा है, नीचे का डिग्री बड़ा है, नीचे का डिग्री एक्स क्यू आएगा। इस टाइप का जब रहता है ऐसे लीनियर वाला फैक्टराइजेशन वाला रहता है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा होता है बच्चों, ए बाई एक्स प्लस ए, बी बाई एक्स प्लस टू, एक्स प्लस बी, अगेन सी बाई एक्स प्लस सी। एक बात बोले, यहां पर क्यों आप पार्शियल फ्रैक्शन क्यों अप्लाई हुआ, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों अप्लाई हुआ? अनमोल बोलो, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों अप्लाई हुआ? अनमोल, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन क्यों अप्लाई हुआ? अनंत, अन्नपूर्णा, ऊपर का डिग्री कितना है सर? एफएक्स का डिग्री जीएक्स के डिग्री से कम है। ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है, मल्टीप्लाई करोगे ना एक्स क्यू आएगा, देन ये पार्शियल फ्रैक्शन। अगर ऐसा तुम्हारा फैक्टराइज हो गया है तो ऐसा बनेगा बच्चों। और ये एबीसी कैसा निकाला जाएगा मैं बोलूंगा, पहला पार्शियल फ्रैक्शन देखिए। अगर ऊपर का डिग्री एक्स क्यू होता तो क्या होता? अगर ऊपर का डिग्री एक्स क्यू होता तो क्या होता? अन्नपूर्णा बोलो, ऊपर का डिग्री अगर एक्स क्यू होता तो क्या होता? जब भी एफएक्स बाय जीएक्स होता है पार्शियल फ्रैक्शन होता है। ओके, ऊपर का डिग्री एक्स क्यू होता तो क्या होता? जो ऊपर का डिग्री अगर एक्स क्यू है तो नीचे का डिग्री भी एक्स क्यू हो गया, तो यहाँ पर डिवाइड होता, डिवाइड होके इसको इससे डिवाइड होके क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजन होता। ऊपर का डिग्री इक्वल भी होता है, एफएक्स का डिग्री इक्वल भी होता है और ग्रेटर देन भी होता है, तो डिवाइड होता है होके ये रहता है। जब ऊपर का डिग्री छोटा है, जब ऊपर का डिग्री छोटा है और नीचे का डिग्री बड़ा है, देन पार्शियल फ्रैक्शन है। जब ऐसा लीनियर वाला रहता है ऐसे अप्लाई होता है बच्चों। सपोज और भी एक एक्स प्लस डी रहता, सपोज में यहाँ पर और भी एक्स प्लस डी रहता, देन यहाँ पर और भी बढ़ जाता, डी बाई कितना एक्स प्लस डी। ओके, तो ये अगर ऐसा लीनियर रहता है और फैक्टराइज होकर रहता है तो बच्चे ऐसा बनता है। ठीक है, सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन बच्चो देखो, रिपीटेड केस। रिपीटेड केस देखिए, सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन रिपीटेड केस मीन्स क्या होता है देखिए। सपोज ये रहेगा कि ये रहता है x प्लस ए का होल स्क्वायर रहता है, ये एक्स प्लस बी का होल क्यूब रहता है और ये एक्स प्लस सी रहता है, और यहां पर एक्स फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स ऐसा रहता है। क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना डिवाइड होगा? पहला बात बोली, दो चीज होता है, अगर ऊपर का डिग्री पार्शियल होता है तो डिवाइड होता है, ऊपर का डिग्री छोटा होता है नीचे का डिग्री ज्यादा होता है डिवाइड होता है, ये पार्शियल फ्रैक्शन होता है। पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना डिवाइड होगा बोलिए? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन होगा, क्योंकि नीचे का डिग्री एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स फाइव और इंटू एक्स एक्स सिक्स होता है, नीचे का डिग्री एक्स सिक्स होता है, ये एक्स स्क्वायर आएगा और ये एक्स क्यूब होगा और ये एक्स है, एक्स फाइव एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स फाइव इंटू एक्स एक्स सिक्स आएगा। ऊपर का डिग्री बड़ा छोटा है, नीचे का बड़ा है, ये रिपीटेड केस है। अच्छा, ये ऐसा टाइप में क्या होगा बच्चों देखिए, ऐसा टाइप में क्या होगा आपको, ये एक्स प्लस ए से लेके एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर तक पहुंचना है, एक्स प्लस ए से लेके एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर तक पहुंचना है, क्या करेंगे? ये एक्स प्लस ए आएगा, नेक्स्ट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ क्यूब रहता तो क्यूब तक जाओगे, अगर यहाँ क्यूब रहता तो क्यूब तक जाओगे, प्लस एक्स प्लस सी बाई एक्स प्लस ए का होल क्यूब। अगर ये क्यूब रहता तो प्लस सी बाई एक्स प्लस ए का, एक्स प्लस ए से शुरू करोगे एक्स प्लस ए क्यूब तक जाओगे, अगर ये क्यूब रहता तो फिलहाल होल स्क्वायर है तो वहां तक रहोगे।
बच्ची ये x प्लस बी से होल क्यू तक है, तो होल क्यू तक क्या करोगे, ये x प्लस बी रहेगा, होल क्यू तक पहुंचोगे बच्चों, ये x प्लस बी रहेगा, ये x प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, और ये x प्लस बी का होल क्यू तक पहुंचोगे, और ये ए बी सी डी कैसे निकला जाएगा बोला जाएगा। अगर यहां पर x प्लस सी का फोर रहता, अगर ये x प्लस सी का फोर रहता तो फिर से जाते बच्चों x प्लस सी, फिर x प्लस सी का होल स्क्वायर, x प्लस सी का होल क्यू, x प्लस सी का फोर तक जाते। फिलहाल ये एक ही डो है, तो ये पर एक ही डो तो क्या जाएगा, x प्लस सी ही रहेगा, x प्लस सी ही रहेगा, यहाँ पर एक ही डो है। अगर यहाँ पर पावर फोर होता तो पावर फोर तक जाता, ये फिर प्लस जी बाई एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस एच बाई एक्स प्लस सी का होल क्यू प्लस आई बाई एक्स प्लस का सी का पावर फोर तक जाता। अगर ये फोर होता तो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तक पहुंचे, ये होल क्यू है तो होल क्यू तक पहुंच गए, एक ही है पावर एक ही रहा। ओके, अब ये दोनों को मिला के देते हैं, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये ए बी सी डी कैसे निकला बच्चे बोलेंगे, तो बस क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, सपोज ये एक्स प्लस है, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी का होल क्यू, ओके ऐसा है। और ये आपका सपोज कि द्वारा एक्स सिक्स एक्स फाइव कर दीजिए, जब पहला बात बोले इसका डिग्री ये एक है, ये दो तीन चार पांच, नहीं इसका तीन है, तीन है कि चार पांच, इसका एक्स क्यू आएगा, एक्स क्यू इंटू एक्स, एक्स फोर, एक्स फोर इंटू ये एक्स, एक्स फाइव एक्स सिक्स तक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यूब ये एक्स फोर, एक्स फोर ये क्यू है, एक्स सेवन आएगा। क्या बात, ये एक्स सेवन है ऊपर एक्स फाइव है, तो यहां पर बोले पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना डिवाइड होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना डिवाइड होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन यहां पर एक एक्स रख लेते हैं, एक्स भी रख लेते हैं, और यहां पर एक पार्शियल फ्रैक्शन होगा क्योंकि ऊपर का डिग्री छोटा है नीचे का डिग्री बड़ा है, तो ऐसा होगा बच्चों, ये एक्स है तो मैं रख दिया, ये पहला बना ए बाई एक्स बनेगा, अगर नहीं बनेगा बी में कितना एक्स प्लस एफ बनेगा, नेक्स्ट बनेगा ये एक्स एक्स बन गया, नेक्स्ट एक्स प्लस ए बन गया, ये एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तक जाएगा, होल स्क्वायर वन से लेकर होल स्क्वायर तक जाएगा, नेक्स्ट क्या बनेगा सी बाई एक्स प्लस बी, डी बाई एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तक जाएगा, नेक्स्ट ये एक्स प्लस सी एक ही है, एक्स प्लस सी तक जाएगा, ओके नेक्स्ट द्वारा ये एक्स प्लस डी का होल क्यू है तो होल क्यू तक जाएगा, ये एफ बाय कितना एक्स प्लस डी, जी बाय कितना एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, एफ एक्स प्लस डी का होल क्यू ऐसा जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर फोर हो तो, अगर ये पावर फोर हो तो फोर पावर फोर तक जाता और एक आठ होकर जाता, पावर फोर है तो और भी एक पे जाता, तो जहां से अगर होल क्यू है तो एक्स प्लस डी से गया, देखो एक्स प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर हुआ, स्क्वायर होल क्यू तक हुआ, ये एक ही था एक ही हो गया, स्क्वायर था स्क्वायर था तो एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी होल स्क्वायर तक गया, ये एक ही तो था, ये भी एक ही तो था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बच्चा ऐसा रहता है कि ऐसा क्वाड्रेटिक रहता है, डाउट कुछ है सर, और एक बार बता दीजिए, ठीक है मैं बता देता हूँ, और एक बार बता देता हूँ,
ठीक है। पहला बात यहां समझे तो डिग्री इक्वल और ज्यादा होता है क्या होता है, डिवाइड होता है। इक्वल भी हो या ज्यादा हो, ऊपर का डिग्री इक्वल हो या ज्यादा हो, डिवाइड होता है। डिवाइड होकर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर होता है। इसको सिंपलीफाई करो ना ये आएगा, इसके एलसीएम ले करो ना वही आएगा। इसी को थोड़ा ये क्या गया, ज्यादा रहता है तो डिवाइड करके क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर होता है। अगर ज्यादा नहीं रहता, ऊपर का डिग्री छोटा रहता है नीचे, ये ऐसा लीनियर वाला होता है, एक एक का होगा। लीनियर वाला होता है एक एक का होगा, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसा रहेगा। अगर ऐसा स्क्वायर एबीसीडी क्या होगा, एबीसीडी का वैल्यू निकाला जाएगा। एबीसीडी का कैसा वैल्यू निकाला जाएगा, प्रॉब्लम करने से कोई बात नहीं, एबीसीडी उसका वैल्यू निकालता है। जब प्रॉब्लम क्या आ जाएगा उसके बारे में बोलोगे, पहला जान लो ये कैसा, ऐसा रहने से ये एबीसीडी का वैल्यू निकाला जाएगा। कैसे निकालते मैं बोलूंगा, ऐसा जान लो अगर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर रहता है तो आपका एक्स प्लस ए फिर एक्स प्लस होल स्क्वायर तक जाएगा। अगर यह क्यू रहता है तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल क्यू तक जाएगा। अगर क्यू रहता है तो क्यू तक जाएगा, एक दो तीन पावर ऐसा तक जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन एक्स प्लस बी का होल क्यू है तो पहले एक्स प्लस बी जाएगा फिर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जाएगा फिर एक्स प्लस बी का होल क्यू। ये एबीसीडी ई का वैल्यू कैसे निकालेगा मैं बोलूंगा इसका मेथड। ओके नेक्स्ट हमारा एक्स प्लस सी एक ही है तो एक ही तक रहेगा। अगर यहाँ पर होल स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर तक जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि दोनों मिला के है तो लिनियर है तो ए बाई एक्स जाएगा, नेक्स्ट भी लिनियर है बी बाई एक्स प्लस ए का जाएगा। ये होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर तक जाएगा, एक्स प्लस बी होगा फिर उसके बाद एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तक जाएगा, एक्स प्लस बी फिर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, ये एबीसीडी का वैल्यू कैसे निकला बोला जाएगा। ये एक्स प्लस बी का होल क्यू है तो एक्स प्लस डी रहेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस डी का होल क्यू रहेगा। अगर फोर रहेगा नहीं तो फिर से मैं तो यहाँ पर करूंगा। ओके मैं फिर से करूंगा तो फिर से आर ओके ए बाई एक्स और ए बाई एक्स स्क्वायर तक जाएगा। ओके अगर मैं फिर से यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर इंटू करता हूँ, सो फिर से एक एक्स स्क्वायर करता हूँ, नहीं तो एक्स प्लस सी का होल फोर करता हूँ, नहीं तो एक्स स्क्वायर भी करता हूँ फिर से, तो फिर से ये जाएगा एफ जी बाई एक्स पहले जाएगा फिर एच बाई एक्स स्क्वायर तक जाएगा। ओके ऐसा जाएगा ठीक है। और ये ए बी सी डी एफ जी एच कैसे निकालना है उसका मेथड बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सब लिनियर और ये रिपीटिंग केस। नेक्स्ट बच्चों ऐसा क्वाड्रेटिक रहेगा, ऊपर क्वाड्रेटिक ऐसे रहेगा, नीचे बच्चों क्वाड्रेटिक रहेगा। नीचे जगह क्वाड्रेटिक है तो आपको ऐसा फॉर्म बनाना पड़ेगा, ऊपर एक लिनियर लेना पड़ेगा। सपोज पर ऐसा है, ऐसा तो है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है। अच्छा एक बात बोले, पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना डिवाइड होगा। अच्छा एक बात बोले, पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना डिवाइड होगा। सर पार्शियल छोटा है, नीचे का डिग्री बड़ा है, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। ऐसा क्वाड्रेटिक मिलेगा ना आपको, ऐसा करना है, क्या करना है कि अगर ऐसा क्वाड्रेटिक मिलेगा ऐसा करना है, एक्स का बी एक्स प्लस सी ऐसा मिलेगा तो आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक बनेगा ऊपर ये रहेगा तो ऐसा लिखना है, क्वाड्रेटिक को ऐसा लिखना है। ये ऐसा क्वाड्रेटिक है जो कि फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। सपोज ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज, ये नॉट फैक्टराइज, ये नॉट फैक्टराइज, तो ऐसा लिखोगे उसको। अगर फैक्टराइज हो गया, सपोज इसको ये फैक्टराइज हो गया, सपोज इसको फैक्टराइज हो गया, नीचे वाला का फैक्टराइज हो गया, तो आपको उसको ऐसा लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर ये नॉट फैक्टराइज्ड है तो आपको ऐसा लिखना है, अगर इसी का फैक्टराइज हो गया तो आपको ऐसा लिखना है, लिनियर वाला ऐसा लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन। और ए भी कैसे निकाला जाएगा बोला जाएगा,
अभी मैं तीनों का रिमिक्स दे रहा हूं, तीनों का रिमिक्स। एक क्वेश्चन ऐसा है, बच्चों अगर एक तीनों का रिमिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, एक तो लीनियर दे रहा हूं, एक तो क्वाड्रेटिक दे रहा हूं, और एक रिपीटेड केस दे रहा हूं। और यहां पर सपोज x4 + x + 2। अच्छा कि ये बोले, एक बात बोले, यहां पर इसका डिग्री 1, 2, 3 और इसका 3, 6 हो रहा है। इसका x प्लस ई का ही होल क्यूब है, इसका 3 और इसका 2, 5, 6 हो रहा है, ऊपर 4 है। पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना डिवाइड होगा, बोले पार्शियल फ्रैक्शन होगा ना डिवाइड होगा सर? सर पार्शियल फ्रैक्शन होगा। ये लीनियर का कैसे स्टाइल लिखा जाएगा, लीनियर का कैसे स्टाइल लिखा जाएगा? a बाय x प्लस है। क्वाड्रेटिक का कैसे लिया जाता है, लिखा जाएगा क्वाड्रेटिक का कैसे लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा bx प्लस c बाय bx स्क्वायर प्लस cx बाय d। ये रिपीटेड का कैसे लिखा जाएगा, रिपीटेड का डी बाई एक्स प्लस सी आएगा, ये होल क्यू तक जाएगा, होल क्यू तक डी बाई एक्स प्लस सी आएगा, ई बाई एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, एफ बाई एक्स प्लस ई का होल क्यू तक जाएगा, ठीक है? ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन। और ये एबीसीडी कैसे निकाला जाएगा, बोला जाएगा। बच्चों तीन है, एक लीनियर का है, ऐसा क्वाड्रेटिक रहता है तो ऐसा स्टाइल लिखा जाएगा, और रिपीटेड रहता है तो ऐसा स्टाइल लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों? यही था पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए चलिए कुछ करते हैं मैथ, तभी एबीसीडी कैसे निकाला जाएगा हम बोलेंगे। देखिए चलिए करते हैं। अच्छा बच्चों ये बोले, मैं बुक का आधा ले आया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए। ये पहला बात है, डिवाइड होगा ना पार्शियल फ्रैक्शन होगा, डिवाइड होगा ना पार्शियल फ्रैक्शन होगा? श्रेया पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2 है, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन से आप बोलिए, दोनों लीनियर है क्या? बोलिए सर पार्शियल फ्रैक्शन होगा। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन होगा, क्या होगा बोलिए, क्या होगा बोलिए? दोनों लीनियर है, आपको दिखता कि नहीं है पता नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन होगा, लेकिन दोनों लीनियर है, क्या होगा बोलिए?
लीनियर का कैसे सर लिखेंगे? ए बाय एक्स प्लस ए प्लस बी बाय एक्स नहीं, प्लस ये एक्स बी। माइनस ए है, इसका इसका हाँ पार्शियल वही फ्रैक्शन माइनस कर है, लो। दिख ए बाय नहीं रहा। का एक्स माइनस ए बी बाय एक्स माइनस बी। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है आपको ऐसे करना है और ए बी कैसे निकला है नहीं बोलना है, आप सही बोले कितना गलत बोले देखते हो। आपका ये सही है, ठीक है। इसका रिपीटेड केस का पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए, रिपीटेड केस का पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए, रिपीटेड केस का। अर्जुन बोलो रिपीटेड केस। सुनील बेहरा बोलो इसका रिपीटेड केस का पार्शियल फ्रैक्शन बोलो। सर ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। वेरी गुड, आप सही बोले। ये होल स्क्वायर तक जाएगा। अगर एक्स क्यूब तक होता तो एक्स माइनस ए का होल क्यूब रहता तो क्या होता? एक्स माइनस ए का होल क्यूब रहता तो क्या होता? एक्स माइनस होल ए क्यूब का तक जाता सर, रहता तो फिर और एक तो जाता। बी बाई एक्स माइनस एक्स माइनस ए का होल क्यूब रहता तो और एक तो जाता। फिलहाल होल स्क्वायर तक है, उतना रखिए। आप सही बोले ना गलत बोले देखते हैं, चेक करते हैं आपका पार्शियल फ्रैक्शन सही है ना गलत है। देखिए वही है। नेक्स्ट बात बोलिए, इसका पार्शियल रिपीटेड एक तो और लिनियर एक तो। अनमोल बोलो कि नहीं तो गीतिश्री बोलो, रितिका बोलो, ट्विंकल बोलो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए। एक होल स्क्वायर तक है, एक्स माइनस बी तक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन बोलिए। सर ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी। देखो ये होल स्क्वायर तक तो होल स्क्वायर तक जाएगा, अगर होल क्यू तो होल क्यू तक जाएगा, अगर फोर है तो फोर तक जाएगा। फिलहाल होल स्क्वायर है और ये लिनियर है। आप सही बोले कि गलत बोले चेक करते हैं। देखिए ये ए बाई एक्स माइनस है, बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सी बाई एक्स माइनस बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला जो कि नॉट फैक्टराइज्ड, ये वाला बोले, फाइव वाला बोले, फाइव वाला का पार्शियल फ्रैक्शन बोले। ये कौन बोलेगा? मैं बोल रहा हूं, अनंत बोलो, अनंत इसका पार्शियल फ्रैक्शन बोलो। ये क्या होगा? ये लिनियर है, क्या होगा सर? ए इसका दिस इक्वल टू लिखोगे ए बाय एक्स माइनस ए, ये इक्वल टू लिखोगे, ये लिखोगे इसका इक्वल टू। हाँ क्या लिखोगे? ए बाय कितना? एक्स माइनस ए। ये क्वाड्रेटिक है, कैसे स्टाइल लेगा? ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसका ऐसा स्टाइल देगा, पर क्वाड्रेटिक का हमेशा ऐसा स्टाइल देगा। बाय कितना? बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक का बच्चा हमेशा ऐसे स्टाइल रखोगे जो कि नॉट फैक्टराइज। अगर फैक्टराइज हो जाएगा ना, अगर ऐसे फैक्टराइज हो जाएगा तो, अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा ना तो उसको ऐसा होगा ए बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस बी। अगर नहीं होगा ना फैक्टराइज, अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा ना ऐसा स्टाइल होगा। ठीक है, आप सही बोले ना गलत बोले चेक करते हैं। ए बाई एक्स माइनस ए बी एक्स, जो ऐसा रहता है कि नॉट फैक्टराइज होता है इसी फॉर्म में लिखा जाता है। बच्चों आप पार्शियल फ्रैक्शन सीख लिए? चलिए प्रॉब्लम करते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन जहां पर एफ एक्स बाय जी एक्स रहता है तभी वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन आता है। चलिए एक बात बोलिए, डिवाइड होगा ना पार्शियल, ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा। एक बात बोलिए, डिवाइड होगा ना पार्शियल फ्रैक्शन होगा? पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा बच्चों? ये x बाय x प्लस है, x प्लस वन और क्या x प्लस टू, ये दोनों लीनियर है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? a बाय कितना बोलिए? पार्शियल फ्रैक्शन दोनों लीनियर है, क्या होगा सर? a बाय x प्लस वन, a बाय x प्लस वन प्लस b बाय x प्लस टू। विवेक को कुछ बोल नहीं रहा है, विवेक है कि नहीं? आज उसके बाद बच्चे a भी कैसे निकालेंगे बोलेंगे। देखिए यस सर, समझ रहे हो कि नहीं?
विवेंदु समझे कि नहीं समझे? अरे सर डिनर ये सर समझाऊं डिनर रहता है ऐसा का यस सर होज का रहेगा तो होज का तक जाएगा और एक टीम तो है एक डिनर एक होज का नहीं तो होल क्यूब और एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक रहता है तो बी एक्स प्लस सी फॉर्म में ऐसा रहेगा। अच्छा देखिए इसको सॉल्व करते हैं बुक का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा क्योंकि ऊपर का डिग्री वन है नीचे का डिग्री टू है और इसका पार्शियल दोनों लीनियर ऐसा होगा तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा ये दोनों इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा कौन कट जाएगा बच्चे ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होगा कौन कट जाएगा इसी तरह बच्चे ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा क्या होगा कट जाएगा कौन बोली बच्चे हम ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा अगर ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हुआ बोली ए इंटू एक्स प्लस टू और b इंटू क्या हुआ x प्लस वन। बच्चों जब ऐसा लिनियर रहता है तो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा होता है और ये डिवाइड उधर इंटू करोगे x प्लस वन कट जाएगा a इंटू एक्स प्लस टू ये डिवाइड उधर इंटू करोगे x प्लस टू कट जाएगा b इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। अच्छा बच्चों देखिए ये a b निकालने का दो मेथड है एक कोफिशिएंट मेथड है और एक इजी मेथड है। कोफिशिएंट मेथड क्या है और पहला इजी मेथड बोलता है बच्चों अच्छा इजी मेथड क्या बोलता हूं कि ए को जीरो करके बी निकालना है बी को जीरो करके ए निकालना है इजी मेथड। इजी मेथड क्या ए कब जीरो हो जाएगा बोलिए एक्स इक्वल टू अगर क्या करते हैं x इक्वल टू माइनस टू करते हैं a जीरो है कि b आ जाएगा तो पुट x इक्वल टू माइनस वन हर जगह माइनस टू पुट कीजिए हर जगह माइनस टू इधर पुट कीजिए। दो मेथड है दोनों मेथड बोलूंगा a को जीरो करके b निकालना है b को जीरो करके a निकालना है। ओके तो देखे बच्चों x ये x इक्वल माइनस टू इधर भी माइनस टू पुट कीजिए इधर भी माइनस टू पुट कीजिए a जीरो हो गया इधर भी माइनस टू पुट कर दीजिए इधर माइनस टू पुट किए इधर माइनस टू ए जीरो हो गया इधर माइनस टू पुट कीजिए माइनस टू प्लस वन माइनस वन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए ये माइनस वन आएगा उधर से डिवाइड होगा बी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों बोली ओके माइनस वन हो जाएगा ठीक है। अभी बच्चों हम किसको क्या किए ए को जीरो करके बी निकाले ए को जीरो करके बी निकाला अभी बी को जीरो करके ए निकालेंगे बच्चों क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन बच्चे यहां पर बी जीरो होके ए निकल जाएगा हर जगह माइनस वन पुट कीजिए इधर माइनस वन पुट कीजिए इधर माइनस वन पुट कर दिए टू माइनस वन इधर भी माइनस वन पुट कीजिए हर जगह माइनस वन इधर माइनस वन इधर माइनस वन टू माइनस वन ए इधर माइनस वन कर बी जीरो बच्चों ये बी जीरो करके ए निकाल रहे हैं माइनस वन पुट करने से तो ए आएगा ए इक्वल कितना आ गया बच्चों बच्चों तुम्हारा हो गया। अभी इसके बदले में ये लिख दीजिए ए का वैल्यू इसके बदले में ये लिख दीजिए इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा पता है इसका इंटीग्रेशन अगर टी लेवल पर डीटी होगा लिनियर मिल जाता है रसगुल्ला मिल गया समझ लीजिए इसको जेड मिल गया तो डी जेड हो जाएगा। ओके देखिए अभी इसको अभी क्या करेंगे हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना था इसके बदले में ये लिखिए ए कितना है बच्चों हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना था इसके बदले में ये लिखिए ये वाला ए कितना है बच्चों ए आया कितना माइनस वन इसके बदले में लिखिए माइनस वन बाय कितना एक्स प्लस वन और इसके बदले में ये इसके बदले में लिखेंगे बंदा a बाई एक्स प्लस वन बी कितना है बच्चों b मेरा 2 आया मेरा 2 बाय कितना आएगा
अच्छा इसके बाद में इधर मैं नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह स्पेस नहीं है। अब बच्चों मेरा हो गया इंटीग्रेशन, ए कितना है मेरा माइनस वन, तो इसके बदले में लिखिए माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। और बी कितना आया, टू आया, ये टू बाई एक्स प्लस टू। अगर बच्चे तुम इसको एलसीएम लेके करोगे ना, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू को एलसीएम लेके अगर तुम करोगे ना, ये वाला मिल जाएगा तुम्हें, ये वाला मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल है, अगर तुम जब इसको ऐसा डिवाइड कर देंगे ना, इसका इंटीग्रेशन इजी हो गया। ऐसा इंटीग्रेशन मुश्किल है, इसका अगर डिवाइड कर देना ऐसा आ गया। अच्छा ये तुम्हारा ऐसा ही नहीं है, तुम अगर इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करोगे ना, एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेगा ना, ये मिल जाएगा आपको, ये वाला मिल जाएगा। इसके बदले में हम ये लिखे, इसके बदले में ये लिखे, ठीक है, ऐसा ही नहीं लिखे। अगर तुम इसको सिंपलीफाई करोगे तो प्रीवियस वाला मिल जाएगा। अच्छा बच्चे इसका इंटीग्रेशन बोले, इसको टी ले लीजिए, ये आराम से डी टी हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर कोफिशिएंट सपोज टी था तो डी टी बाई थ्री होता। और इसको क्या कीजिए, जेड ले लीजिए, ये आराम से डी जेड हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट रहता ना थ्री, तो डी जेड बाई थ्री होता। और नहीं तो ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स लॉग एक्स, इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। बोले इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस बी क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ द वन बाई एक्स प्लस बी, बोले क्या फॉर्मूला है, वन बाय ए लॉग एक्स प्लस बी। वेरी गुड, ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी डाल सकते हैं, वन बाय ए लॉग एक्स प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। नहीं तो ऐसा टी ले लीजिए, डी टी भी ऐसा भी कर सकते हैं। इसका बोलिए आंसर क्या है, माइनस लॉग टी, टी किसे एक्स प्लस वन। और इसका बोलिए कैसा आएगा, और इसका बोलिए प्लस टू लॉग जेड, ये इसका है लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग टी आएगा। टी किसे लिए थे, एक्स प्लस वन, और इसका इंटीग्रेशन है लॉग जेड, जेड किसे लिए थे एक्स प्लस टू। ये थोड़ा लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन होगा, लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन होगा। ये माइनस लॉग एक्स प्लस वन, ये टू लॉग, ये क्या कर सकते हो, इसको लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हो। एन लॉग एम, एन लॉग एम, लॉग एम टू द एन, लॉग एम टू द एन, एन लॉग एम होता है। फिर लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन होगा, लॉग एम बाई एन ऐसा। फिर लॉगरिथम का सिंपलीफाई भी करोगे, ठीक है बच्चों। अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन समझे, ए बी सी किसे निकाले समझे। अच्छा ए बी, ये एक मेथड में बच्चों निकला, ए को जीरो करो, माइनस टू हर जगह माइनस टू पुट करो, बी आएगा। बी को जीरो करो, माइनस वन पुट करो, हर जगह माइनस वन पुट करो, ए आएगा। ये एक मेथड, और एक मेथड बच्चों ए बी निकालने का, कोएफिशिएंट मेथड। ए बी निकालने का और एक मेथड है, क्या मेथड है कि, अच्छा एक्स का कोएफिशिएंट बोलिए कितना, एक्स का कोएफिशिएंट बोलिए कितना वन, यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट बोलिए कितना ए, यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट बोलिए कितना बी, ये एक इक्वेशन। अच्छा ये कांस्टेंट कुछ नहीं है तो जीरो, कांस्टेंट नहीं है जीरो, कांस्टेंट बोलिए टू ए, कांस्टेंट बोलिए प्लस बी। ये कोएफिशिएंट मेथड, दोनों मेथड सीख लीजिए, कभी इस मेथड काम नहीं करेगा तो कोएफिशिएंट मेथड में करेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट वन, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट ए, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट बी, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर जीरो, कांस्टेंट टू ए, कांस्टेंट बी वन जब बी, इसको सॉल्व कीजिए
इसको सॉल्व कीजिए, ये मेथड भी सीख लीजिए, कोफिशिएंट मेथड सॉल्व कीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, वन आएगा, ये a माइनस टू ए माइनस ए आएगा, b माइनस बी कट जाएगा, देन a इक्वल टू माइनस वन, और a माइनस वन आया था कि नहीं, a माइनस वन आया था कि नहीं, और इसके बाद सबट्रैक्ट कर दीजिए, a आया माइनस वन, b देखिए, फिर a का वैल्यू डाल दीजिए किस में भी, पहले में डाल दीजिए माइनस वन, तो b इक्वल टू टू हो जाएगा, ये माइनस वन उधर प्लस वन, बी इक्वल टू टू हो जाएगा। ये कोएफिशिएंट मेथड भी जानिए, एक्स का कोएफिशिएंट वन, एक्स का कोएफिशिएंट ए, एक्स का बी, ए प्लस बी इक्वल टू वन, ये कॉन्स्टेंट नहीं है कुछ, सब टू थ्री कुछ रहता नहीं है, जीरो ले लीजिए, जीरो टू ए प्लस बी इक्वल जीरो, ऐसा भी करके ए भी निकाल सकते हैं। बच्चे समझे कि नहीं समझे पार्शियल फ्रैक्शन? x प्लस थ्री प्लस थ्री बाय एक्स, ये फैक्टराइज कर दिया तो क्या हुआ, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा बोलिए सर? a बाय एक्स प्लस थ्री, ओके, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ये इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कौन कटेगा, कौन रहेगा, ये दोनों इधर लाके मल्टीप्लाई कीजिए, कौन कट जाएगा, ये दोनों जाके इधर ले आइए, कट कट कौन जाएगा, अरे बोलते नहीं कुछ, ठीक है, आप लोग बनाइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बनाइए। ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स प्लस थ्री कट जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस थ्री रहेगा, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी इंटू एक्स माइनस थ्री कट जाएगा, x प्लस थ्री रह जाएगा, a को जीरो करना है, x को थ्री पुट कीजिए, ये जीरो हो जाएगा, हर जगह थ्री पुट कर दीजिए, ये थ्री थ्री सिक्स आएगा, तो b इक्वल वन बाय सिक्स, b को जीरो करना है, x इक्वल माइनस थ्री पुट कीजिए, b जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस थ्री पुट कीजिए, ओके, a इक्वल वन माइनस सिक्स, अब a का डाल दीजिए, इसके बदल ये लिखिए कितना a है माइनस वन बाय सिक्स, अगेन b कितना वन बाय सिक्स, तो कॉन्स्टेंट को बाहर रखिए, एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, बी बाई एक्स माइनस थ्री था, ओके, अब क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, अगर इसको टी लेंगे, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, अगर कोएफिशिएंट रहता डीटी बाई, अगर इसमें फोर रहता तो ये डीटी बाई फोर होता, ये नहीं है तो ये टी लेंगे तो डीटी हो जाएगा, अगर ये जेड ले लीजिए ये डी जेड हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट होता तो डी जेड बाई, सपोज टू रहता डी जेड बाई टू होता, नहीं है इतना, अगर ये लॉग टी आएगा, टी किसे लिए थे, एक्स प्लस थ्री, ये लॉग एक्स माइनस थ्री आएगा, ये लॉग जेड होगा, लॉग एम एन का थोड़ा पहिए कीजिए, वन बाय सिक्स कॉमन ले लीजिए, थोड़ा लॉगरिथम का सिंप्लीफाई कीजिए, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय एन, ठीक है, ये वन बाय सिक्स का मूल्य लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चों, टेस्ट क्लास ही करेंगे, आप भी घर में कर सकते हैं, मैं वीडियो भी भेजूंगा, ये ए बाई एक्स माइनस है, बी बाई एक्स माइनस टू, सी बाई एक्स माइनस थ्री, ये सब इसी तरह होगा, ओके, कल सुबह ये कुछ खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट बाईपार्ट्स इसके बाद तो होने के बाद आपके इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में तीन चीज आता है, पार्शियल फ्रैक्शन, नाइन स्टैंडर्ड फॉर्मूला और बाईपार्ट्स, ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके।